मीठी ईद के मौके पर बाजार मटिया महल जामा मस्जिद में सैलाब है, भीड़ है मिठाई की दुकानों के आगे। हर कोई खरीदारी कर रहा है मीठे मीठे व्यंजनों की। आइए जानते हैं लोगों से कि उनके क्या खास पसंद है और उनके बच्चों की क्या खास पसंद है इस मीठी ईद के मौके पर। जनाब, ईद मुबारक हो आपको भी और पूरे देशवासियों को हमारी तरफ से ईद मुबारक हो। तो इस मीठी ईद के मौके पर आपकी क्या पसंद है मीठे पकवानों में और आपके बच्चों की क्या खास पसंद? बच्चे तो सेवैयाँ, मीठे पकवानों में सेवैयाँ। इस टाइम जो ईद का खास स्पेशल डिश होती है वो सेवैयाँ और शीर होती है, जो सबको पसंद आती है। और एक स्पेशल कचौरी बनती है जो आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ये जीरा खस्ता की कचौरियाँ होती है, नमकीन के अंदर ये अच्छा होता है। महंगी मिठाई लेकर आया हूँ और घर वालों को खिलाएंगे, खुद खाएंगे और कचौरी लेना है। बस यही दुआ है सबों के लिए कि अल्लाह सब सब को खुश रखे, खुश रहें, आबाद रहें। मिठाई और कचौरी चलती है इस टाइम, और मीठे ही है तो मीठी ईद है, इंजॉय करेंगे। और साथ कचौरी, गुलाब जामुन। ईद की बात हो और मिठाई का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस वक्त हम मौजूद हैं एक मिठाई की दुकान पे जो जामा मस्जिद के बिल्कुल सामने है। आइए बातचीत करते हैं इसके दुकानदार से। नमस्कार साहब, ईद मुबारक हो। आपको भी ईद मुबारक हो। तो जनाब, ये कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पर मिठाई की दुकान करते हुए? जनाब, ये दुकान तो खैर पिछले 75 साल से यहाँ पर है। ये मेरे दादा, जिनका नाम हाजी कल्लन था, उन्होंने ये दुकान 75 साल पहले खोली थी। पहले इन्होंने दूध का थोड़ा मोटा काम किया, आज आपके सामने जो है इसको मेरे वालिद ने चलाया, मेरे ताया ने चलाया, आजकल हम चला रहे हैं। तो आज ईद के मौके पे सबसे ज़्यादा बिक्री कौन सी मिठाई की है? बिक्री तो देखिए, ये ईद ही मीठी ईद है, ये मिठाइयों के लिए ही बनी है। तो ये बर्फी है, चॉकलेट बर्फी है, कलाकंद है, ये सब मिठाइयाँ ज़्यादा बिकती हैं। तो बर्फी की लोग ज़्यादा, जो खोए के शौकीन है ना, वो यही खाते हैं। ईद का मुबारक दिन है और इस वक्त हम खड़े हैं जामा मस्जिद पे, जहां सुबह की नमाज इस वक्त सब पढ़ चुके हैं और अब सभी जगह हर्षो अमन का माहौल है। इस वक्त हमारे साथ कुछ बच्चे खड़े हैं, कुछ बड़े खड़े हैं, इनसे पूछते हैं कि ईद को लेके उनमें क्या क्या जोश है, क्या क्या तैयारियां। हाँ बेटा, तो आज ईद है, कैसा लग रहा है, क्या महसूस कर रहे हो और क्या तैयारियां? अच्छा लग रहा है बहुत। क्या करोगे आज? आज घूमेंगे, खेलेंगे, सब कुछ करेंगे, मौज करेंगे। अच्छा लग रहा है ईद की नमाज की। हर महीने कहा, पूरे महीने की खुशी होती है, 30 दिन रोजे रखते हैं, उसके बाद आज के दिन की खुशी होती है, यार दोस्तों से मिलना। ईद की नमाज मतलब पूरे 30 रोजे होने के बाद ही होती है और आज हम सबको बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा से मतलब नमाज भी हो गई हमारी, तो आज इसीलिए बहुत अच्छा लग रहा है। ईद का मुबारक दिन। ईद को लेके आप पूरी जहाँ में क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, दुनिया में जितने भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, अमन अमान होना चाहिए, और जब ये अमान होगा तो हमारी ईद अच्छी बनेगी। हम से लोगों से दरख्वास्त करते हैं, अमन रखें और भाईचारा बना के रखें, और जो आपस में फसाद हो रहे हैं इसको रोका जाए, ईद हमारी जब ही बनेगी। छोटे छोटे बच्चे जो खुदा की देन है, इस पावन मौके पर, इस मुबारक मौके पर मौजूद हैं। आइए बातचीत करते हैं ईद को लेके इनमें कितना जोश है, आइए बात करते हैं। हाँ बच्चों, तमाम देशवासियों को हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। अच्छा, आज ईद ईद किस किस से लेनी है? आज अपने मामू से, सबसे, दादी से, दादा से, सबसे। क्या कोई स्पेशल गिफ्ट क्या मांगा आपने? हमने कुछ नहीं मांगा। अच्छा, ईदी वो अपने आप देंगे जी। जी आपकी कोई स्पेशल डिमांड? नहीं।